फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो दी बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए। क्यों दी बेस्ट है? क्योंकि वो मॉइस्चराइजर डॉक्टर्स की भी फर्स्ट चॉइस है। डॉक्टर्स भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसी मॉइस्चराइजर का यूज़ करना चाहिए। यानी कि आज मैं रिव्यू शेयर करूंगी इस सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, और ये भी शेयर करूंगी क्या क्या है बेनिफिट इस सेटाफिल के मॉइस्चराइजर के। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्टेड। तो ये है सेटाफिल का मेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसका यूज़ आप अपने फेस पे भी कर सकते हो और अपनी बॉडी पे भी कर सकते हो। और इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की खास बात ये है कि ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों की और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई होने के साथ सेंसिटिव भी है तो परफेक्ट है ये मॉइस्चराइजर। इससे अच्छा मॉइस्चराइजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है इसकी पैकेजिंग, 80 ग्राम की है इसकी क्वांटिटी। स्मॉल पैकेजिंग भी अवेलेबल है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। नॉन कॉमेडोजेनिक है प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड भी है ये प्रोडक्ट। तो इसके प्राइस की बात करें, इसका प्राइस है 360 रुपीज़ और 2 ईयर्स की है शेल्फ लाइफ। तो इस तरह से ये ट्यूब की फॉर्म में आता है मॉइस्चराइजर। ट्यूब वाले मॉइस्चराइजर बेस्ट होते हैं, जितनी क्वांटिटी चाहिए बस ले लो। बट इसकी क्वांटिटी जस्ट एक ड्रॉप जस्ट पी साइज में ही आपने इस मॉइस्चराइजर का करना है यूज़। तो ये है इसकी पैकेजिंग। तो अब मैं आप दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। सो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग। तो अपने क्लीन फेस के ऊपर हमेशा मॉइस्चराइजर को करना है अप्लाई। इस मॉइस्चराइजर की खास बात यह है कि जस्ट इतनी क्वांटिटी में ही ये मॉइस्चराइजर आपके पूरे स्किन की ड्राइनेस को दूर कर देगा। बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं थी, बस आपने पी साइज में मॉइस्चराइजर लेना है और पूरे फेस के ऊपर करनी है कुछ टाइम मसाज। आप देख रहे हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल भी थिक नहीं है मॉइस्चराइजर। बेस्ट पार्ट इस मॉइस्चराइजर का यही है कि ये कम क्वांटिटी में यूज़ होता है और आपकी स्किन की ड्राइनेस को 100% करता है दूर। और ये बिल्कुल फ्रेगनेंस फ्री है मॉइस्चराइजर, कोई भी इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं है जो आपको इरीटेट करेगी। क्योंकि अक्सर जब हम मॉइस्चराइजर का यूज़ करते हैं, कुछ मॉइस्चराइजर की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इरीटेशन भी हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि एकदम से क्विकली आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो गया। तो ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का कोई मैट फिनिश कुछ नहीं मिलेगी, बट ये नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है मॉइस्चराइजर। क्विकली आपकी स्किन को करेगा ये अच्छी तरह से हाइड्रेट। तो ये है इस मॉइस्चराइजर का आप कह सकते हो रिजल्ट। आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ इस सेटाफिल के मॉइस्चराइजर का ओवरऑल रिजल्ट और कुछ बेनिफिट। तो इसका फर्स्ट मेजर बेनिफिट ये है कि जो सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसको आपको रीअप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर जब भी हम नॉर्मल मॉइस्चराइजर का यूज़ करते हैं तो ड्राई स्किन वालों को अक्सर कुछ टाइम बाद फिर से मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है, फिर से उन्हें रीअप्लाई करना पड़ता है मॉइस्चराइजर। बट अगर आप मॉर्निंग में ही ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लोगे तो होल डे आपको फिर से मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजर बेनिफिट ये कि बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूज होता है, यानी कि हमें भर भर के मॉइस्चराइजर का यूज करना है ताकि हमारी स्किन की ड्राइनेस कंप्लीटली दूर हो जाए। जस्ट बिल्कुल कम क्वांटिटी इसकी यूज होती है, आप एक ड्रॉप कह लो, जस्ट पी साइज में ही ये मॉइस्चराइजर यूज होता है और आपके फेस की होल ड्राइनेस को ये कम्प्लीटली दूर भी करेगा और परमानेंटली दूर करता है। ये नहीं कि इसका रिजल्ट टेम्परेरी है, परमानेंटली आपकी स्किन की ड्राइनेस को करेगा दूर। इसीलिए डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं ड्राई स्किन वालों को कि आपको सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ही यूज करना चाहिए अगर आप की स्किन को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। तो इस मॉइस्चराइजर में आपको 2 डिफरेंट वेरिएंट मिल जाएंगे, एक है लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर इसमें सेटाफिल का और एक है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो अगर विंटर सीजन में ड्राई स्किन वालों ने मॉइस्चराइजर यूज़ करना है तो वो इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम वाला सेटाफिल का मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, उसी मॉइस्चराइजर को परचेज करें। अगर समर सीजन में ड्राई स्किन वालों ने मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है तो आप इसमें सेटाफिल का लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर भी परचेज कर सकते हो। तो ये मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए दी बेस्ट है मॉइस्चराइजर। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन भी है, तो भी आप इसमें सेटाफिल का लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस विंटर सीजन मैंने इस मॉइस्चराइजर का काफ़ी यूज़ किया क्योंकि ये कम क्वांटिटी में ही यूज़ होता था और क्विकली आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर कर देता था। और ख़ास बात ये है कि ये आपके लिए प्राइमर का भी काम करता है क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा है जैसे हम किसी कोई सिलिकॉन प्राइमर जैसे हम यूज़ करते हैं उस तरह से होता है ना, उनका सॉफ्ट सा स्मूथ सा टेक्सचर, इस तरह से है इसका टेक्सचर। क्योंकि इसमें लिक्विड पैराफिन का यूज़ किया गया जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम्प्लीटली करता है दूर। तो ओवरऑल गाइस अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ड्राई स्किन है कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताएं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सेटाफिल का मॉइस्चराइजर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। डॉक्टर्स भी इसी को रिकमेंड करते हैं कि स्किन की ड्राइनेस को कम्प्लीटली ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर करेगा दूर।
सो ओवरऑल गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर के ऊपर एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय.